अभी इसको बेड लेके जाते हैं और आराम से आपको एक दफा दिखाते हैं बेड निकाल के। तो अभी इन्हें बेड लेके जाते हैं। तो इनको मैंने बाहर निकाल लिया। अभी ये मैं 10 गमले लेके आया हूँ और 2 ये हैं। इनमें मैं पौधे लगाऊंगा और इस कमरे के अंदर रखूंगा। तो आपने बताना है कि यहाँ पर किस जगह पर रखे जाएं और कैसा कमरा खूबसूरत लगेगा। तो मिट्टी भी मैं लेके आया हूँ। तो इनमें मिट्टी डालना शुरू करते हैं और आराम आराम से पौधे लगाते हैं, क्योंकि एक दफ़ा तो पौधे लगाने नहीं होते। तो आराम आराम से मैं पौधे भी लगा रहूँगा और मिट्टी भी साथ में। अभी ये मिट्टी डाल के एक पौधा मिला फूलों वाला, तो वो ला के यहाँ पर लगाते हैं। तो अभी ये मिट्टी डाल के जल्दी से पौधा लेके आते हैं। तो माशाल्लाह से पौधे लगा दिए हैं इसमें। तो ये एक पौधा लगाया है इनके सामने ताकि इनको भी थोड़ी सी ग्रीनरी नज़र आए। एक यहाँ पर रखा है, तो एक इधर रखा है और इस जगह पर भी एक रखा है। और एक और पौधा लाया, तो आपने बताना है ये कैसा लगा। वो सामने रखा है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अभी शाम का वक्त है ना, तो इतना कैमरे में अच्छा नहीं लग रहा, तो वैसे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है इस जगह पर। और यहाँ पर भी रखने हैं वैसे। अभी गमले बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो इसमें भी 2-3 दिन तक है ना, इनमें भी पौधे लगा के, इनमें भी अच्छे से पौधे ला के रखने हैं जो कमरे के अंदर रहें। क्योंकि ये जो पौधे मैंने लगाए हैं ना, ये धूप वाले पौधे हैं। तो कमरे में तो छाँव वाले पौधे लगे हैं, क्योंकि कमरे में धूप तो जाती नहीं है, तो इस वजह से कोई छाँव वाले पौधे ढूंढ के लाने पड़ेंगे। अभी छत पे आए, ये बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, बच्चे भी देखें, बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे हैं। इन्हें जल्दी से दाना डालते हैं, इन्हें कुछ हो ही ना जाए। तो अभी जल्दी से दाना रखते हैं। ये कल का अंडा इधर ही पड़ा होगा, अभी जल्दी से दाना रखते हैं। अभी दाना डाला, ये देखें कैसे आ गए हैं। तो पता नहीं कब से दाना ख़त्म हो गया, कल तो अभी पूरा था। तो अभी बच्चे भी आवाज़ कर रहे हैं, आप देखें, तो ये भी खा रहे हैं। तो माशाल्लाह से ये खाते रहेंगे और उनकी तरफ चलते हैं। ये मुर्गे कैसे हैं, तो इनको भी अभी बाहर निकालते हैं। ये देसी को मुर्गियों को भी मैंने बंद किया हुआ था, क्योंकि वो पौधे लगाए हैं ना, तो अभी इस वजह से इन्हें बंद किया हुआ था। तो इन्हें अभी बाहर निकाल दिया, तो इन्हें अभी बाहर निकालते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए घूम फिर लें, तो बाद में मैं इन्हें बंद कर दूंगा दोबारा। तो इन्हें भी निकाल दिया अभी, ये देखें, इस वजह से इन्हें मैं बंद करता हूँ, ये पौधे ख़राब कर देते हैं। ये थोड़ा सा मुरझा गया, तो ये भी ठीक हो जाएगा। और वो दूसरे जो थे ना, तो वो बिल्कुल अच्छे से तरीके से लग गए हैं। आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये इतने ज़्यादा नहीं मुरझाए। तो अभी कल लगाए हैं ना, इनकी जड़ अभी सही तरीके से जब फैलेगी ना, तो ये ठीक हो जाएंगी। और ये भी देखें, ये भी माशाल्लाह से लग गए हैं। ये फूल देखें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। यहाँ पर ये जब खिलेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे, उसी तरह वो भी। ठीक है, माशाल्लाह से पौधे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इन्हें भी बाहर निकाला है, ये इधर थोड़ा घूम फिर लें, फिर मैंने नीचे ले जाऊँगा ताकि ये पौधे ख़राब ना करें और शाम को ये छत पर आएंगे। तो ये थोड़ी देर के लिए घूम फिर लें। और अभी उस चूज़े को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि अभी वैसे ही मुर्गे भी तो बाहर निकले हुए हैं ना, तो इसे भी बाहर निकालते हैं। तो ये भी निकल गए। ये देखे, देसी मुर्गी ने भी एक अंडा दिया हुआ है और असील ने भी एक अंडा दिया हुआ है। तो माशाल्लाह से ये अंडे दे रहे हैं अभी, वो देखें वो उधर जा खा रहे हैं। तो इधर बैठना पड़ेगा तभी इन्हें बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये खा गई तो अभी जड़ें बिल्कुल नरम है। तो ये निकल गई तो उग गई क्या नहीं। अभी ये पानी भी चेंज कर देते हैं, तो अभी सबसे पहले पानी चेंज करते हैं, इन्हें भी पानी लगाते हैं और मुर्गों को भी पानी डालते हैं। ये देखिए मुर्गा बहुत ज़्यादा मस्ती में आ रहा है, तो अभी इन्हें ठंडा पानी रखते हैं। अभी देखें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं छत पे घूमते हुए।
इन्हें मैंने दाना भी डाल दिया और पौधों को भी पानी लगा दिया, तो अभी ये बिल्कुल अच्छे से बड़े होंगे। लवबर्ड को भी पानी रखा, देखे कैसे नहा रहे हैं, तो माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा नहा रहे हैं। ये देखें अभी फिर आ गया, तो फिंचेस भी आ गई हैं, तो ये भी नहाना शुरू हो जाएंगी। फीमेल भी आ गई है, तो यहाँ पर भी ये फिंचेस नहा रही हैं और बजीद, तो यहाँ पर भी मैंने पानी रखा था तो जल्दी से आ गई हैं, और इधर भी फिंचेस आ गई हैं पानी देख के। वो फीमेल नीचे बैठ गई, इसे पता नहीं एकदम से क्या हो गया, कल तो बिल्कुल ठीक थी, इसे मुझे लगता है ठंड लग गई है। तो अभी इसे मेरा दिल कर रहा है इसे पकड़ के ना कमरे के अंदर छोड़ दूँ, जो ठंडी हवा लगती है ना वो इसे नहीं लगेगी, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो गया और ठंड थोड़ी थोड़ी महसूस होती है। रात के वक्त तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन दिन के वक्त कम होती है, तो इसी वजह से मुझे लग रहा है इसे ठंड लग गई है, तो इसे पकड़ के केज के अंदर छोड़ते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।